कुछ भी कर सकता है। मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। রাজকুমার সন্তোষীর গান্ধি গডসে এক যুদ্ধের ট্রেলার জনসাধারণের পাশাপাশি সমালোচকদের মধ্যে অসাধারণ প্রশংসা অর্জন করেছে। নাথুরাম গডসে এবং মহাত্মা গান্ধি একে অপরের মুখোমুখি হওয়ার ওপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্রটির অনন্য ধারণা দেশজুড়ে আলোড়িত তুলেছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী পরিচালক রাজকুমার সন্তোষী। এই প্রজাতন্ত্র দিবসে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে হিট হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ছবির গল্পে গান্ধীজিকে নাথুরাম গডসের আক্রমণ, তার মুখোমুখি হওয়া এবং তাদের চরম বিপরীত মতাদর্শ নিয়ে আলোচনা করার একটি কাল্পনিক দৃশ্য দেখানো হয়েছে। যথার্থই বলেছেন, বিচারও কা যুদ্ধ। ছবিতে নাথুরাম গডসের ভূমিকায় চিন্ময় মন্ডলেকার এবং মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দীপক আন্তানি। ছবির পরিচালক রাজকুমার সন্তোষী ছবির সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, এটা আমার নবছর পর ফিরে আসার বিষয় নয়, আমি নবছর পর কি পাচ্ছি সেটাই মূল কথা। একটি ফিল্ম বানানোর আগে আমি সবসময় নিজেকে জিজ্ঞাসা করি যে আমার ফিল্মটি কি পার্থক্য তৈরি করবে, এবং আমি এটির উত্তর পেয়ে গেলেই কাজ শুরু করি। গান্ধী গডসে এক যুদ্ধ আমার কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন পবন চোপড়া, অনুজ সাইনি এবং তানিশা সন্তোষী। সন্তোষী প্রোডাকশন LLP একটি PVR ছবি রিলিজ উপস্থাপন করে রাজকুমার সন্তোষী পরিচালিত, AR রহমানের সঙ্গীত পরিচালনা ও ম্যানিলা সন্তোষী প্রযোজিত। 2023 সালের 26 জানুয়ারি সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, সমাজ হিতৈষী। पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। पर क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है, कैसे रोका जाए उसे। मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर, इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। से पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हमारे भाई हैं। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब गांधी को मरना होगा। बापूजी बच गए हैं। महात्मा गांधी। मैं घोड़से से मिलना चाहता हूँ। हमारे इस पवित्र देश का बंटवारा तुमने कराया है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है घोड़से। है महान है, महात्मा है, पाखंडी है, झूठा है, शत्रु है वो हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र का। मैं आजाद भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहता हूँ। आधुनिक देश बनाना चाहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। अब कांग्रेस के मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, अब उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। कोई चाहे तो एक दिन में गॉड से बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। बात मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की। जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र।
एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा।